क्या कार्रवाई सरकार की है, उसके परिवार को क्या मदद करें? उसके परिवार को लाइट बंद कर दे, लाइट 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 बंद कर रहे हैं, लाइट बंद कर दे। कोश से 2 लाख रुपया उस बच्चे के परिवार को सहायता राशि दी जाए। जिसका बोरवेल था या जिन लोगों ने अभी भी खुले बोरवेल छोड़े, क्या सरकार प्रयास करेगी कि उनको बंद करवाए या फिर इस तरह का कोई प्रिकॉशन लिया जाए? बहुत पुराने बोरवेलों का आपने देखा कितनी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं ऑलरेडी, लेकिन मैं लोगों को यहां से अपील करना चाहता हूं, किसान भाइयों को, बोर कराने वालों को, जिसका भी बोर है उसका उसकी ड्यूटी बनती है, उसको इस बच्चे की डेथ से मैं कहता हूं उसकी कुर्बानी होगी एक तरह की आज, तो उससे सीखना चाहिए। ये हम लोगों की जिम्मेवारी है, हर एक आदमी की, नागरिक की जिम्मेवारी, चाहे वो किसान है चाहे कोई है। तो एक ये बड़ी आज के दिन के बाद अगर हम नहीं सीखते तो कानून क्या करेगा? कानून तो नेचुरली है, कानून जो है वो अपना काम करेगा, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ सीखने की बात है। लगातार स्वेर तो जी सर के अंदर मुशक्कत बाद ट्रिप में कटा गया हूं, पहले दसों में हालात में उसकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली, जिसमें परमात्मा नहीं मंजूर सगा उसकी लाइफ सर सामने, और जो गया उस परिवार ने बहुत संवेदना है। मुख्यमंत्री जी वालों भी, भगवंत मान जी वालों भी संवेदना व्यक्त की गई है, लेकिन प्रयास सार्थक सके, नलायकी सोसायटी की है, साडे लोगों की है, जेड़ा भी बंदा जिस भी जेड़े बंदे का भी यह बोर सगा उन्हू हूं जरूर एक बार सोचना चाहिए कि इस लापरवाही के नाल उस परिवार को की नुकसान। जिम्मा जी 2019 दे विच भी यह हादसा होया, प्रशासन ने कोई सिख नहीं ली, अज ओही दिन 2023 दे विच भी आ गया। देखो इस अगे नू देखो साडी सरकार आई नू अज सर सामने 60 दिन होए आ, और असीं डेफिनेटली कोशिश करांगे इस चीज नू अगे तो यकीनी बनाया जावे, जेड़ा बोर करेगा ओ एडमिनिस्ट्रेशन नू इंटीमेट करेगा, कोई इदां दा तंत्र जरूर डिवेलप करांगे, कोई सरकार अपने तौर ते अज 60 दिन दे विच बड़े अच्छे क्वेश्चन कर रही है। लोकां दे उत्थे बड़ा रोष देखण नू मिलिया भी रेस्क्यू ऑपरेशन लेट शुरू होया, जे कुछ देर पहला शुरू हो जाता था शायद। नहीं कोई इदां दी गल नहीं, मैं तो जिन्नी तारीफ करा एमएलए साडे जसवीर राजा दी जी, जिन्हां ने अपने दम ते रेस्क्यू ऑपरेशन चालू कर दिता सीगा, लोकल लोकां ने भी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन नू देखो गड़दी आले दे इलाके च पहुंचण दे पिंड दे विच पहुंचण नू भाजी 30-40-50 मिनट तो लगा, एनडीआरएफ नू पहुंचण नू टाइम लगना सीगा, थोड़ा टाइम लगा। जिस एनआरआई दी स्कीम ना बच्चे नू बाहर कढ्या गया, ओह तां 2 घंटे पहला रिक्वेस्ट करदा सी मैं कढ देना, यो तो लगे रहे असीं नू नाल लैके, उन्हां नू कितें मना थोड़ी कीता गया, उन्हां नू स्पेशल तौर नहीं नाल लगाया गया, उन्हां नू कोई इदां दी गल नहीं हैगी। देखो अपना हरेक आदमी ने अपनी कोशिश कीती, उत्थे मैं उत्थे मौजूद रहा जदों मैं पहुंचा, क्योंकि मेरे को जन अदालत सीगी इत्थे लगी हो, तो मेरे को 2000 आदमी मेरे उत्थे पहुंचा सी घट तो घट, लेकिन उत्थे पहुंचने बाद मैं कहना मेरे एडमिनिस्ट्रेशन ने डट के, डिप्टी कमिश्नर साहब ने, एसएसपी साहब ने, डॉक्टर्स ने, एम्बूलेंस, और आंदे हमें जो एम्बूलेंस असीं उन्हें पा लिया बच्चे नू, लगातार डॉक्टर ने मैं कहना इन्नी सार्थक प्रयास किया उस बच्चे जीवन के लिए। अच्छा, परिवार सीएम कोष के 2 लाख रुपए की सहायता राशि परिवार को, और बोरवेल सीधा एक खुले बोरवेल के लिए अगे की कीता जाए, खुले बोरवेल के लिए एडमिनिस्ट्रेशन नू पंजाब सरकार कोशिश करेगी, इतने मुआयना कराएगी, सारे वीडियोज नू डिप्टी कमिश्नर कहो कि इन्हों को पूछा जाए किन्ने बोरवेल हुए है और उन्होंने किन्ने बंद है किन्ने नहीं बंद।